हाय फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ सरस्वती माँ का एब्स्ट्रैक्ट लेवल पार्ट टू के साथ, जिसमें मैं बाकी की पेंटिंग जो है वो कंप्लीट करने वाली हूँ इस वीडियो में। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैं हैंड की पेंटिंग ऑलरेडी स्टार्ट कर चुकी हूँ। तो हैंड की पेंटिंग के लिए मैं यहाँ पे फ्लेशेंट कलर और डार्क शेड्स के लिए ब्राउन कलर यूज़ कर रही हूँ, और भी डार्क शेड्स के लिए मैं यहाँ पे डार्क ब्राउन यूज़ कर रही हूँ। जहाँ जहाँ भी बॉडी पार्ट्स हैं, जैसे कि लेग्स, हैंड्स और नेक, इस तरह के पूरे बॉडी पार्ट्स पे मैं यहाँ पे फ्लेशेंट कलर ही यूज़ कर रही हूँ, और डार्क शेड्स के लिए ब्राउन और डार्क ब्राउन कलर यूज़ कर रही हूँ। अभी तो सरस्वती माँ का जो ड्रेसिंग पार्ट है वो स्टार्ट कर चुकी हूँ मैं। तो यहाँ पे पहले मैं पर्पल कलर से पेंट कर रही हूँ, आप देख सकते हो वीडियो में। अभी मैं रेड कलर अप्लाई कर रही हूँ। अभी मैं यहाँ पे ब्राउन कलर यूज़ कर रही हूँ। पूरी ड्रेसिंग जो है मैं ब्राउन कलर से ही करने वाली हूँ। पूरी ब्राउन कलर अप्लाई करने के बाद मैं जहाँ जहाँ भी थोड़ा सा मतलब लाइट शेड्स है वहाँ पे मैं इस तरह से वाइट कलर से थोड़ा लाइट शेड्स बना दूंगी, और उसके बाद में मैं जहाँ जहाँ भी डार्क शेड्स हैं वहाँ पर मैं डार्क ब्राउन से लाइन्स देने वाली हूँ। मतलब यहाँ पे मैं डार्क ब्राउन यूज़ कर रही हूँ। जहाँ जहाँ भी डार्क लाइंस हैं वहाँ पे मैं इस तरह से डार्क ब्राउन यूज़ करके लाइंस बना रही हूँ। ज्वेलरी पार्ट्स के लिए मैं यहाँ पे येलो कलर यूज़ कर रही हूँ। अभी मैं ड्रेसिंग पे जो डार्क शेड्स रहते हैं वो पेंट कर रही हूँ इस तरह से ब्राउन कलर से ही, इस तरह से पूरी ड्रेसिंग को डार्क शेड्स जहाँ जहाँ भी है मैं वहाँ पे ब्राउन कलर यूज़ करके डार्क शेड्स बना रही हूँ। यहाँ पे लोटस फ्लावर के लिए मैं यहाँ पे डार्क पिंक और लाइट पिंक कलर्स यूज़ करके इस तरह से पेंट कर रही हूँ लोटस फ्लावर को। पहले लाइट पिंक से लोटस फ्लावर की पेंट करके उसके बाद आउटर पार्ट जो भी रहता है उसको डार्क पिंक कलर से पेंट करना है। इस तरह से पूरी लोटस की पेंटिंग जो है वो डार्क पिंक और लाइट पिंक से बना चुकी हूँ मैं। और यहाँ पे पिको के लिए मैं यहाँ पे ब्लू कलर और ऑलिव ग्रीन कलर यूज़ करके कलरिंग कर रही हूँ।
बैकग्राउंड के लिए मैं यहाँ पे येलो कलर और ऑलिव ग्रीन और लीफ ग्रीन कलर्स यूज करके बैकग्राउंड इस तरह से बना रही हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना।